हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, आप सबका सफ चैनल पर बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये बारिश का मौसम है और वक्त है मीठे स्वादिष्ट कस्टर्ड एप्पल्स का मजा लेने का, तो हम बनाते हैं आज कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 बड़े कस्टर्ड एप्पल्स का पल्प लिया है। हमें इस पल्प को सीडलेस करना है, तो सबसे पहले पल्प को अच्छे से विस्क कर ले, बिल्कुल कम स्पीड पर, ताकि हमारा पल्प लूज हो जाए। जैसे ही हमारा पल्प लूज हो जाए हम इसको सीडलेस कर लेंगे। हमारा पल्प अब सीडलेस हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम लेंगे व्हिप क्रीम। मैंने यहाँ 1/2 लीटर क्रीम लिया है। हमें क्रीम को अच्छी तरह विस्क करना है, तब तक जब तक कि हमारी क्रीम साइज में डबल एंड फ्लफी ना हो जाए। हमारी क्रीम काफी फ्लफी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। चम्मच मलाई, 1 कप चीनी का पाउडर, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप। हमारा मिक्सचर अब रेडी है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लम्स फॉर्म ना हो। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ विस्क कर लिया है। विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे।
बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। अब इस पल्प को हम क्रीम में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा पल्प क्रीम के साथ मिक्स हो जाए, हम इसे 8 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। आइसक्रीम अब रेडी हो चुकी है। इस पर थोड़ी सी हनी की टॉपिंग और ये रेडी है सर्व करने के लिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम या बटरस्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी देखनी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।